सो हे गाइस, जय श्री राम, नमस्ते, यदा, सत श्री अकाल। अयोध्या की पावन धरा से मैं आप प्रमोद ओझा आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। कैसे हो आप तरफ, हो करता हूँ आप तरफ मेरी तरह बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं सरजू जी स्नान करने के लिए अयोध्या में। हम कल आ चुके थे, आपको पिछले वीडियो में अपडेट मिल गया होगा। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे नहाने के लिए, काफ़ी भीड़ है। और आज है छठ पूजा, तो शाम के समय आपको छठ पूजा का भी आनंद हम आपको कराएंगे। यहाँ पे कितनी भीड़ होती है छठ पूजा में। हम नहाने के बाद सीधा निकलेंगे हनुमान गढ़ी पे दर्शन करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए, आपको मैं पीछे का दिखाऊँ कुछ नज़ारा काफ़ी खूबसूरत। इस समय है यहाँ पे ही दीपक जलाया जा रहा है, ये है राम की पैड़ी के नाम से मशहूर है। ये है पूरा जहाँ पे दीप उत्सव के समय जलाया गया था, सुबह के समय काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा, रात के समय आपको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आया होगा पिछले वीडियो में। तो अभी हम सुबह उठ के आए हैं नहाने के लिए, जा रहे हैं स्नान करने के लिए। यहाँ इतने दीपक जलाए गए थे उस दिन कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और ये राम का पैड़ी का पूरा इलाका है। हम जा रहे हैं अभी नहाने के लिए, नहाने के बाद आपको दिखाएंगे कैसा है। सरजू यात्री सुबह की हो चुकी होगी, अगर नहीं होगी, हुई होगी तो हम आपको दिखाएंगे। अगर हो गई होगी तो शाम की सरयू आरती जो होती है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये है पूरा राम का पैड़ी, यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा इतनी लाइटें लगाई गई थी उस दिन कि क्या ही बताएं, बहुत खूबसूरत। मैं भी वीडियो में देखा था, मैं आ नहीं पाया था किसी कारणवश। अहमदाबाद से मैं आया, काफ़ी लेट घर पहुंचा था, इसी वजह से मैं नहीं आ पाया था। तो इसलिए मैं आ चुका हूं वापस अयोध्या में, चलते हैं वास। सो ये है जहाँ पे लाइटिंग दीप उत्सव के दिन बहुत सारी लाइटें लगाई गई थी। रात के समय लाइटें यहाँ पे ऑफ थी, आपको नज़र आ गया होगा रात के, जब मैं पिछले ब्लॉग में आपको ने देखा ये सब। ये राम का सभी घाटे बनाए गए हैं, छोटे छोटे राम घाट, लक्ष्मण घाट, घाट क्रम संख्या 8 है ये जहाँ मैं अभी हूँ। ये राम की पैड़ी है, बीच से नदी का पानी निकाले हैं यहाँ से, काफ़ी खूबसूरत। रात के समय जब लाइटें चालू रहती है तो और भी नज़ारा खूबसूरत हो जाता है। ये सभी चीज़ वो है जहाँ पे लाइटें लगी थी उस दिन। यहीं पे नागेश्वरनाथ मंदिर है, आपको मैं दिखाऊं ये थोड़ा। नागेश्वरनाथ मंदिर सामने, और जो बड़ी बड़ी स्क्रीन में अभी भी इस टाइम भी कुछ ना कुछ चल रहा है, मैक से अलाउंस गाना हो रहा है, धीरे धीरे गाने बज रहे हैं, जो भक्ति सॉन्ग है वो चल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग जो वहाँ नहीं नहा पाते हैं यहाँ स्नान करते हैं। और अभी भी सफाई, सुबह सुबह अभी सफाई हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बनाए गए हैं राम, लक्ष्मण और दशरथ जी भी, सीता जी, सब बनाए गए हैं सभी देवी देवता। और यहीं पे दीप उत्सव के टाइम यहाँ पे बहुत ही अधिक संख्या में दिया जलाया गया था। ये काफ़ी खूबसूरत इस समय दिख रहा होगा, क्योंकि रात के समय और मज़ा आता है। पर कल पता नहीं क्यों रात के लाइटें बंद थी, समझ नहीं आया मेरे को। ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, ललित कला फाइनल आर्ट विभाग ने बनाया है। यहाँ पे उनके बारे में लिखा गया, पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के, उन्होंने ये बनाया है। ये राम का पैड़ी है पूरा, सब घाटे हैं जहाँ पे आप आके नहा सकते हैं। ये पूरा यहीं होती है सुबह और शाम के समय आरती, जो सरयू माता की आरती होती है यहीं होती है। तो अभी हम जाएंगे स्नान करने के लिए, नहाने के बाद आपसे फिर मिलेंगे। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा एक नंबर दिख रहा है इस समय, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, उतने नहीं हैं जितने नॉर्मल दिनों में। अभी क्या फंक्शन दीपावली का जस्ट गया ही है, तो ये संख्या लोगों की कम है, नहीं तो आम दिनों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो हम चलते हैं नहाने के लिए, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। इस टाइम तो भीड़ नहीं है, इस टाइम घूमने जो मजा है वो दिन में नहीं है, रात में कुछ अलग। पाप मोचन घाट, हर घाट का नाम अपना पाप। हाँ, जैसे पाप मोचन घाट, हाँ, वाराणसी में जैसे लिखा रहता है ना, ये 80 घाट है तो ये दूसरा घाट है, ऐसे अयोध्या का हर घाट का निर्माण किया गया है। अच्छा, यहाँ भी आरती होती है क्या? हाँ, यहाँ भी आरती होती है।
थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसा बना है, बनाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी आरती मुझे लग रहा वही होती है, पाप मोचन घाट लिखा हो देखो, सबसे बड़ी आरती मुझे लग रहा वही होती है, वही होती है सबसे बड़ी, मेन घाट वही है। आज हम आरती नहीं देख पाए, मेन घाट चक्कर में फंस गए। देखो लिखा है फिर सतगुरु अति प्राचीन पाप मोचन घाट टिकवात माननीय सिया किशोर खान जी महाराज मित्र सरयुवा की अति प्राचीन पाप मोचन घाट। और आगे कौन सा है? आगे भी है श्री राम सेवा संस्थान नित्य माँ सारी आरती। अच्छा यहाँ भी आरती होती है पाप मोचन घाट वाला। पाप मोचन घाट यानी अब घूमते जाओ पूरा दो तीन दिन, कम से कम चार पांच दिन लगेगा अयोध्या घूमने में। जो जो किला दिख रहा थे वो लक्ष्मण घाट किला, जो अभी हम झुनकी घाट पे जा रहे हैं झुनकी किला जो आएगा। अच्छा ये कोई मंदिर है हनुमान कुटी सरयू तट, ये कोई मतलब मंदिर है या फिर क्या है? मंदिर है, मंदिर भाई। ये मुझे लगा धर्मशाला वगैरह कुछ है। यहाँ मैक्सिमम तो मंदिर है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी कई सारी, मतलब ये मिट्टी का है क्या पूरा? हाँ ये मिट्टी है। अच्छा पुरानी दीवारें हैं उस समय की। अच्छा ये राजा महाराजा को क्या अटैक से बचने के लिए पहले के जमाने में बनवाए थे कि हाँ कोई अटैक करे तो एकदम ऊंचे ऊंचे चढ़ने में बहुत तकलीफ हुए। देखा दिवालिया आज तक ये है पूरा किला लक्ष्मण किला, दिवालिया आज तक बहुत पुरानी दीवार है लग रहा है पुरानी। ये पहले मतलब ऐसा बनाए थे जैसे पहाड़ वहाड़ था क्या यहाँ पे? पहले पूछा मतलब कहीं एकदम हाइट ऊंचाई एकदम नीचे। ये लक्ष्मण किला है तो ये इसका नाम तो इसका वार्ड का नाम भी लक्ष्मण घाट वार्ड है। अच्छा ये लक्ष्मण घाट वार्ड है, ये सब बहुत दूरी में है क्या? लाइटें जलती है ये ऐसे, ये तो परिक्रमा मार्ग है ये पूरा, ये पूरा परिक्रमा मार्ग पूरा, यहाँ तो 14 कोस का जितना मार्ग है सब में ऐसे लाइट लगी रहेगी तुमको। हाँ। और पूरा 6 दिन लगी। अच्छा परमानेंट नहीं रहेगी अभी, इसलिए लगाए हैं अभी ये, जब तक 14 कोसी परिक्रमा तब तक चढ़ाई नहीं है। परमानेंट शंकर जी के मंदिर से सीधे मस्जिद, ये स्तंभ शॉर्टकट रास्ता निकल रहे हैं, आने वाले टाइम में इसको भी बदल के कुछ चेंज करेंगे यहाँ पे। योगी जी बात है। ये क्या है? दांत बनाया क्या? मुंह बनाया किसी चीज का? देखो मुंह ना बना हो गेट है, कुछ अलग ही डिजाइन है भैया। खतरनाक बनाया है, बहुत बहुत कम लोग यहाँ पहुँचते हैं, हम जैसे भाग्यशाली लोग ये गली गली का रास्ता जान पाएंगे। सही है ना? सबके पास का नहीं है, सब आते हैं, ये सब ईटा देखिए, हनुमान गढ़ी घूम जाते हैं, राम जन्मभूमि घूम जाते हैं, वही है ना हनुमान गढ़ी घूम जाते हैं, ऐसे जो फेमस मंदिर है वो घूम जाते हैं, पर अंदर जो है वो देखना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो फाइनली वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो नहीं करते हो तो जाके कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और अयोध्या में अभी हम 1 से 2 दिन जितने दिन भी रहेंगे उतने दिन जो जो बड़ी बड़ी जगह है अच्छी अच्छी जगह है और एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद आपको वीडियो देखने को मिल ही जाएगा। हमारे साथ आप अयोध्या का दर्शन करिए। और कल की वीडियो में थोड़ी कैमरे की क्लियरिटी में थोड़ा तकलीफ था क्योंकि बहुत दिन बाद कैमरा उठा था तो थोड़ी दिक्कत आती है, और अब धीरे धीरे वीडियो आने वाले वीडियो में कैमरे की क्लियरिटी और सब कुछ आवाज़ वाइस वाइस सब क्लियर हो जाएगा। सो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए वीडियो पे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मौज रहो, मौज करो, मस्त रहो, खुश रहो, बाय बाय। भगवान प्रभु राम की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मिलते हैं किसी ऐसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।